अगली खबर का रुख करेंगे भोपाल से ही। कोरोना संक्रमण में भोपाल अव्वल और राजधानी के लिए बेहद चिंताजनक इस वक्त स्थिति है प्रशासन के लिए, सरकार के लिए, क्योंकि राजधानी भोपाल कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार आगे बढ़ती जा रही है। इंदौर को पीछे छोड़ा अव्वल नंबर पर इस वक्त राजधानी बनी हुई है और रिकवरी रेट भी जहां लगभग 60 से 70 का था वो भी कम हो गया है। तो भोपाल में 2177 और इंदौर में 2060 मरीजों का इस वक्त इलाज चल रहा है। भोपाल का रिकवरी रेट इंदौर से करीब 4.15% कम है। और सीधे रुख करेंगे वैभव जी का, लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव जी, कोरोना संक्रमण में भोपाल ने इंदौर को भी पीछे छोड़ दिया है, बिल्कुल अच्छी खबर नहीं, बेहद चिंताजनक हालात और उस वक्त में जब 10 दिन का लॉकडाउन इस वक्त राजधानी में चल रहा है। जय झीलों का शहर भोपाल अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, खूबसूरत भोपाल के लिए नंबर वन आना अच्छी बात है, लेकिन कोरोना संक्रमण के मामले में जहां रिकवरी रेट इंदौर से भी कम हो गई और भोपाल की जो रिकवरी रेट है लगातार कम होती रही, ऐसे में भोपाल पहले नंबर पर आया कोरोना संक्रमण फैलने की रफ्तार को लेकर, जिसे कोई भी भोपाल का जो बाशिंदा है वो पसंद नहीं करेगा। और कि पिछले 10 दिनों में जया 1978 कोरोना के संक्रमण के मरीजों के बारे में जानकारी मिल चुकी है, मतलब स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है कि करीब 200 लोग प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। भोपाल की जो रिकवरी रेट है वो इंदौर से 4.15% कम हुई है। वर्तमान में करीबन 2178 मरीजों का इलाज भोपाल में चल रहा है। वहीं इंदौर की बात की जाए तो 2060 एक्टिव केस हैं जहां उनका इलाज चल रहा है। और हम देखें कल भी 160 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बारे में जानकारी मिली। कल चिराई अस्पताल में एक, हमीदिया और एम्स अस्पताल में दो दो कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। भोपाल में जो मौतों का आंकड़ा वो 160 के ऊपर पहुंच चुका है, तो किसी भी लिहाज से भोपाल के लिए अच्छी खबर नहीं है। वहीं दूसरी ओर मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर 3 अभियान चलाए जा रहे हैं। पहला किल कोरोना अभियान पार्ट 2, दूसरा अभियान का जो नाम है जया वो है मास्क एक फायदे अनेक, इसके साथ ही रोको टोको अभियान। इन तीनों ही जो अभियान है इसके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है, कोरोना से बचाव के तरीकों के बारे में बताया जा रहा है और मास्क की उपयोगिता भी बताई जा रही है। और ऐसे में अगर राजधानी भोपाल हॉटस्पॉट सेंटर बन गया है, रिकवरी रेट के मामले में भी भोपाल पहले नंबर पर आ गया, तो किसी भी लिहाज से भोपाल के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव है, जिनका चले अस्पताल में इलाज चला है। बीडी शर्मा, सुहास भगत, इसके साथ ही अरविंद भदौरिया, बीजेपी के कद्दावर नेता इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है वैभव जी कि जहां किल कोरोना अभियान पार्ट 2 पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से, और राजधानी की अगर बात की जाए तो कई तरह के इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। 10 दिन का लॉकडाउन इसीलिए लगाया गया ताकि कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सके, लेकिन इससे उलट इस वक्त तस्वीरें और आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इंदौर को पीछे छोड़कर राजधानी भोपाल कोरोना के मामले में अव्वल नंबर पर है। इसके साथ ही चिंताजनक स्थिति ये भी है कि रिकवरी रेट भी कम हो गया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका वैभव जी, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।